हेलो दोस्तों, आई एम सुजीता भास्कर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीता। आज हम पढ़ेंगे द एम्पायर ऑफ हर्ष। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे मैथ में, हर्ष मतलब हर्षवर्धना, पूरा नाम उनका हर्षवर्धना का पूरा एम्पायर हम मैथ में देखेंगे। इसके साथ ही हम थ्योरी भी लाए हैं, तो पहले हम इसको देखेंगे फिर थ्योरी भी देखेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। पहला हमारा क्या हर्षवर्धना का, कुछ हमने रेफरेंस दिया आपको, क्या एंशियंट टाउन को हमने स्टार से डिनोट किया है जो कि व्हाइट और पिंक में है। ठीक है, और एक्सटेंट ऑफ हर्ष एम्पायर, हाँ एक्सटेंट ऑफ हर्षाज एम्पायर मतलब हर्ष का एम्पायर कहाँ तक फैला हुआ था, उसको हमने येलो कलर से डिनोट किया, यानी येलो कलर से कलर कर दिया है। तो शुरू करते हैं। पहला क्या, पहले हम देखेंगे एंशियंट टाउन। ठीक है, एंशियंट टाउन में पहला हमारा क्या आता है, थानेसर। ठीक है, ये हमारा क्या है, थानेसर, हमने इसको यहाँ लिखा है, दूसरा कलर ले लेते हैं। ये क्या है हमारा, थानेसर, यहाँ आके यहाँ पे गया है, थानेसर हो गया। उसके बाद ये क्या है हमारा, ये दिल्ली है जो कि आके यहाँ पे लिखा गया है, दिल्ली, ये दिल्ली हो गया। इसके बाद हमारा क्या आता है, कन्नौज। कन्नौज कहाँ पे है, कन्नौज यहाँ पे है, ये कन्नौज हो गया। उसके बाद क्या आता है, प्रयाग, प्रयाग ये हो गया। और ये क्या हमारा, बनारस। ठीक है, बनारस हो गया। और ये क्या हमारा, ये है हमारा बोधगया, बोधगया हो गया। फिर ये क्या है, पाटलिपुत्र। ठीक, पाटलिपुत्र हो गया ये हमारा। और ये क्या है, नालंदा, ये नालंदा हो गया। तो हमने क्या क्या देखा, पहला थानेसर, दूसरा दिल्ली, और ये वाला क्या हमारा, कन्नौज। ठीक, कन्नौज हो गया। और ये क्या हो गया, प्रयाग हो गया। ये हमारा क्या है, बनारस। और ये क्या हो गया, बोधगया। और ये क्या है, नालंदा। और ये ऊपर वाला क्या है, पाटलिपुत्र। ये हो गया हमारा क्या, नदर्न पार्ट का, नदर्न ईस्ट पार्ट का। ठीक है, अब हम इधर आते हैं, तो इधर हमारा है ताम्रलिप्ति। ठीक है, जो कि यहाँ पे है कोलकाता में, ताम्रलिप्ति। ठीक है, इतना एरिया को बंगाल लिखा गया है, और ये मालवा वाला रीजन है हमारा, और इधर का बंगाल वाला हो गया। ठीक, फिर नीचे आए तो ये हमारा क्या है, अजंता, जो कि मुंबई में है इस वक्त, मतलब अभी। और अजंता का हमारा मुंबई, ये अजंता हो गया। और ये क्या है, एलोरा की गुफाएं भी मशहूर हैं और अजंता की। तो ये एलोरा और अजंता पास पास में है, और कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। ये क्या है, फिर आते हैं हम, ये क्या हमारा, पट्टाडकल, ये हो गया पट्टाडकल। ठीक, और ये क्या हो गया, ऐहोल, ऐहोल हो गया ये, और ये पट्टाडकल हो गया। फिर इधर आए तो ये हो गया बेंगी। ठीक, बेंगी हो गया। और इसके बाद दो और बचता है, पहला हो गया मामलापुरम, मामलापुरम ये हमारा, और कांची कौन सा है, कांची ये है। ठीक, ये हो गया। तो ये क्या हो गया, इतना सारा एंशियंट टाउन, इतने एंशियंट टाउन उस समय थे, कब, हर्षवर्धना के एम्पायर के समय थे। ठीक, थानेसर, दिल्ली, कन्नौज और प्रयाग, बनारस, बोधगया, पाटलिपुत्र, नालंदा, ताम्रलिप्ति, बेंगी, अजंता, एलोरा और पट्टाडकल, ऐहोल, मामलापुरम और कांची। ये क्या हो गए, एंशियंट टाउन हो गए इतने। अब हम क्या देखेंगे, एक्सटेंट ऑफ हर्षवर्धना एम्पायर। ठीक है, तो ये येलो कलर से जो हमने कलर किया है, ये सारा क्या है, हर्षवर्धना एम्पायर का है। ठीक, एरिया, तो इसमें आप स्टेट देख सकते हैं, कौन कौन सा स्टेट आ रहा था, पहले तो ऐसे ही था, अब स्टेट हो गया है क्या, इधर के कुछ स्टेट जैसे गुजरात हो गए, सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश का तो है ही, इधर आए तो उत्तराखंड का, सम पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तो है ही, उत्तर प्रदेश भी हमारा पूरा है, बिहार है, झारखंड है, और इधर वेस्ट बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ भी हो गया थोड़ा सा पार्ट, और उड़ीसा, उड़ीसा नहीं है शायद, थोड़ा सा है, बहुत ज़्यादा नहीं है उड़ीसा,
और इधर का बांग्लादेश जो आता था वो भी आता था किसमें, हर्षवर्धन एम्पायर में, ठीक है। और इधर आसाम का पार्ट हो गया थोड़ा सा, ये इतना एरिया कहाँ का हो गया, हर्षास एम्पायर का, ठीक है। हर्षास एम्पायर मतलब हर्षवर्धना के एम्पायर के समय कितना एक्सटेंट एरिया था, कितना एरिया फैला हुआ था उनके कंट्रोल में, वही है क्या एक्सटेंट ऑफ हर्षास एम्पायर, ठीक। ये हो गया हमारा, कुछ रीजन दिए हुए हैं जैसे मालवा हो गया, ठीक, मालवा रीजन इधर है, फिर बंगाल रीजन इधर था, बांग्लादेश तो ये है ही, और कुछ और भी जैसे पावरफुल किंग्स थे वो क्या, कौन कौन से थे, कौन कौन से आते इसमें। पहला तो चालुक्यास, साउथ वाले थे ये सब, चालुक्यास, कलिंग हो गया, फिर पल्लवाज हो गया, यहाँ पे चेराज हो गए, यहाँ पे चोलाज हो गए, और ये क्या बचते हैं लास्ट, पद्यास, ठीक। वैसे भी साउथ बहुत पावरफुल माना जाता था, इधर का ही पावरफुल है ऐसा नहीं है, लेकिन आगे क्या है हमारा, चालुक्यास, कलिंगा, पल्लवास, चेरास, चुलास, पद्यास, ठीक। इतने हो गए हमारे, अब क्या हो गया, एंशियंट टाउन एक्सटेंट ऑफ हर्षास एम्पायर, ये हमने मैप में देख लिए, अब हम इसकी थ्योरी भी देख लेते हैं। अब हम क्या देखेंगे, अब हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं, ठीक है। थ्योरी क्या है, चैप्टर का नाम पहले तो हमारा है द एम्पायर्स ऑफ हर्ष, ठीक। पहले हम एक बार इसको रीड करेंगे फिर इसको समझेंगे। हर्षवर्धना वॉज द लास्ट ग्रेट किंग ऑफ एंशियंट इंडिया, हिज रूल एक्सटेंडेड ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया डाउन साउथ टू द नर्मदा। एट दिस टाइम द पावरफुल रूलर्स इन द साउथ इंक्लूड द पल्लवास, द चालुक्यास, द पद्यास एंड द चेरास। पुलकेशिन सेकेंड द ग्रेट किंग ऑफ द चालुक्या डायनेस्टी स्टार्ट द मार्च ऑफ हर्षवर्धना इंटू साउथ इंडिया। द किंग्स इन साउथ इंडिया फॉट एमंग देमसेल्फ एंड वीकेंड देमसेल्फ। ये क्या कह रहा है, मतलब हर्षवर्धना वॉज द लास्ट ग्रेट किंग ऑफ एंशियंट इंडिया, मतलब इंडिया के, एंशियंट इंडिया के लास्ट जो ग्रेट किंग था वो कौन था, हर्षवर्धना था, ठीक है। और क्या कह रहा है, हिज रूल एक्सटेंडेड, इनका रूल कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हुआ था, फैला था, ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के लास्ट पार्ट में फैला हुआ था, डाउन साउथ टू द नर्मदा, नर्मदा तक। हमने आपको नर्मदा पढ़ाया, मतलब रिवर पढ़ाया है, नर्मदा यहाँ पे है महाराष्ट्र के पास, ऐसे यहाँ से गुजरात हो गया, इधर महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती हैं, तो यही तक हमने अभी मैप में देखा कि यहाँ पे हर्षवर्धना का रीजन आता है इतना, ठीक है। तो नर्मदा रिवर यहाँ पे है, तो ये कह रहे डाउन साउथ टू द नर्मदा, नर्मदा तक इनका रीजन था, ठीक। ये हो गया, फिर डिस्टर्ब मेरा, ये हो गया। इसके बाद क्या कह रहे हैं, एट दिस टाइम, इस समय द पावरफुल रूलर्स इन द साउथ, हमने अभी आपको कहा नहीं था कि साउथ में भी बहुत पावरफुल राजा रहते थे, किंग, साउथ वाले बहुत ज्यादा ही पावरफुल रहते थे, उन्होंने ही इनको रोक दिया था आगे बढ़ने से, मतलब अपना एरिया उधर बढ़ाने से, ठीक है। एट दिस टाइम द पावरफुल रूलर्स इन द साउथ इंक्लूड द पल्लवास, ठीक, मतलब उस समय भी बहुत पावरफुल रूलर्स थे, जैसे इंक्लूड कौन कौन से हैं, द पल्लवास, द चालुक्यास, द पद्यास एंड द चेरास, ठीक है। ये भी अपने अपने में एक बहुत पावरफुल किंग थे, उतना एरिया कवर करना बहुत नॉर्मल बात नहीं है वैसे। और क्या है आगे, पुलकेशिन सेकेंड द ग्रेट किंग ऑफ द चालुक्या डायनेस्टी, चालुक्या डायनेस्टी के एक ग्रेट किंग थे कौन, पुलकेशिन सेकेंड। स्टार्ट द मार्च ऑफ हर्षवर्धना इनटू द साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में हर्षवर्धना के मार्च को किसने स्टॉप किया था, पुलकेशिन सेकेंड ने, ठीक है, जो कि चालुक्या डायनेस्टी के थे। ये देखिए पावरफुल किंग में ये भी आते हैं, द चालुक्यास। द किंग्स ऑफ साउथ इंडिया फॉट एमंग देमसेल्फ एंड वीकेंड देमसेल्फ, जो किंग थे साउथ इंडिया के ये पावरफुल तो थे, लेकिन क्या हुआ, ये आपस में ही युद्ध करके खुद को कमजोर बना लिया इन्होंने, आपस में ही लड़ गए, लिखा ना, वीकेंड देमसेल्फ, खुद को कमजोर बनाया कैसे, फॉट एमंग देमसेल्फ, आपस में ही इन्होंने युद्ध कर लिया,
जिसकी वजह से ये कमजोर हो गए। वैसे भी कहते नहीं है एकता में ताकत होती है, तो ऐसे ही कहा जाता था कि साउथ में साउथ बहुत पावरफुल रहता था, लेकिन क्या हुआ ये आपस में ही युद्ध करके खुद को उन्होंने कमजोर बना लिया। अगर ये एक साथ रहते तो शायद अभी भी बहुत कुछ ऐसा ना होता जैसा है। ठीक है, खैर ये हमारी हिस्ट्री रही। ये द एम्पायर ऑफ हर्षवर्धना के बारे में हम पढ़ रहे थे। गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता था हर्षवर्धना के, जब हर्षवर्धना का रूल रहता था। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहा द एम्पायर ऑफ हर्ष, हमने देखा मैप में और इसकी थ्योरी भी पढ़ी। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।